हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विपिन शर्मा फिजिक्स फिजिक्स क्लास. ओके, 10 past 2, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक फैक्ट्स ऑफ करंट. यू नो इन मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फैक्ट्स ऑफ करंट वी आर डूइंग फर्स्ट व्हाट मैग्नेटिक फैक्ट्स ऑफ करंट. इससे पहले मैंने आपको बायोट सेबर्ट्स लॉ बताया, कंपेरिजन बायोट सेबर्ट लॉ और कूलम्स लॉ के बीच में बताया. फिर उसके बाद मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, दैट इज बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2I अपॉन ए. आई होप यू रिमेम्बर दैट, एंड दैट वॉज द फॉर्मूला, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π into I sin 5 1 plus sin 5 2. याद है कि नहीं? अच्छा, अब मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉयल, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉयल. तो हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉयल है, ये आप देख रहे हैं, आपके सामने है. वी हैव ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉयल. इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है? करंट आई, करेक्ट. जैसे ये देख रहे हैं आप, ये व्यू है टॉप व्यू, और ये व्यू कौन सा है? साइड व्यू. कौन सा व्यू है ये? साइड व्यू. ये कौन सा व्यू है? टॉप व्यू. ऐसे ऊपर से देखते हैं या देखो ना, राइट. और ये साइड व्यू. तो इसके सेंटर में, ठीक है, इसके सेंटर में ये एक्सिस है, हमने ले ली, ठीक. जैसे ये पेन एक्सिस है सेंटर में ऐसे, तो वो इसके सेंटर से गुजर के जा रहा है लाइक दिस. करेक्ट. और ये ओ, ये पॉइंट है पी. पॉइंट पी के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, करेक्ट. और ओपी का जो डिस्टेंस है वो कितना है? एक्स. अब एक हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे पी क्यू, ठीक है, और इसकी लेंथ है डीएल, राइट. तो ये है, इसको मिला देंगे, इसको, इसका रेडियस है ए, ये है एक्स और ये है आर. दिस इज एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो स्टूडेंट्स, हमने पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली है, करेक्ट. अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अरे देखो ना यार, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज ओ, इसको हम m ले लो, चलो दिस इज p एंड दिस इज m, दिस इज 90 डिग्री, ये a, ये x, ये r. तो r स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो r किसके इक्वल आ गया? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये r का वैल्यू हमने यहां डाल दिया, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं. अब क्या है हमारे पास? हमारे पास एक रिंग है जिसका रेडियस ए है, उस रिंग के सेंटर से एक पॉइंट हम लेते हैं पी. तो ओपी इज व्हाट? एक्स. एंड रेडियस इसका रिंग का ए है, तो आर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ठीक. पी एक पॉइंट है जहां पर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं, करेक्ट. ओके, तो ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई. आई इज द करंट सर्कुलेटिंग. अब स्टूडेंट, मैं करता हूं पॉज, आप इसको बना लो. ये वाला मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होती है ना, इसलिए, ठीक है. आप इसको बनाओ आराम से. सो स्टूडेंट्स, ये आप बना लो यार जल्दी से. बन गया. अब इसमें मैं कुछ एक तो पॉइंट बताऊंगा, अभी आपने लिखना नहीं है. एक तो हमारे पास नॉलेज किस चीज की है? हमारे पास नॉलेज है बायोट सेबर्ट लॉ की.
तो बायोट सेवर्ट लॉ को हमें बुलाना पड़ेगा कि भैया आके तुम हमारी हेल्प करो, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एट द पॉइंट पी पे निकाल के दो, मेरी हेल्प करो। तो बायोट सेवर्ट बोलता भाई देखो मैं तो एप्लीकेबल हूं एलिमेंट के लिए और ये तो बहुत बड़ा है। इतने में इंटेग्रल देवता आगे बोलते बेटा टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं, तुम बायट को बोलो कि तुम पीक्यू छोटा सा एलिमेंट ले लो। छोटा सा एलिमेंट कौन सा ले लो? पीक्यू। पीक्यू के कारण आप यहां पोजीशन पी के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो डी, ठीक है, छोटी सी डीबी उतनी निकाल ले, उसके बाद मैं आपको हेल्प करवा दूंगा, इंटीग्रल बोलता। तो बायट को बोला कि सर कैसे करोगे? कहते पहले तो ये डिस्टेंस कितना है, ये टेंजेंट ड्रॉ करो। कहते जी हाँ जी ड्रॉ कर ली। तो जैसे ये टेंजेंट ड्रॉ की तो ये हमने टेंजेंट जब ड्रॉ की तो वी विल टेक इट सर्टेन एंगल से, टेंजेंट के साथ हम इसका एक एंगल ले लेते हैं से लेट इट बी 90 डिग्री काइंड ऑफ, ठीक है, या कुछ भी। और ये एंगल क्या लेते हैं हम? थीटा। दिस एंगल इज व्हाट? थीटा। अब आपको राइट बायोट सेवर्ट लॉ का रूल आपको याद है ना, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा। डू यू रिमेंबर इट और नॉट? तो इस स्मॉल करंट एलिमेंट, इतना सा स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? आईडीएल क्रॉस आर। यार आप समझने की कोशिश करो ना, ये एक छोटा सा कंपोनेंट है, आइडियल है ये, मैं इसको रब कर रहा हूं। ये कौन है? आइडियल। ये आइडियल, ये कौन है? आर। तो आइडियल क्रॉस आर डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट। अब अगर हम देखें तो डीबी किसके नॉर्मल है? इस पीएम के। और ये किसके नॉर्मल है? ये वाला एन पीएन किसके नॉर्मल है? ये नॉर्मल है ओपी के। ओपी के नॉर्मल कौन है? पीएन। डीबी किसके नॉर्मल है? पीएम। ओपी एंड पीएम के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो इसके बीच में भी एंगल कितना हो गया? थीटा। एंगल बिटवीन द प्लेन्स इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। ये मैंने प्रूव किया हुआ, आप देख सकते हो यूट्यूब में मेरे प्लेलिस्ट में जाके, एंगल बिटवीन द प्लेन इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, मैंने ये प्रूव किया हुआ है। अब डीबी के दो कॉम्पोनेंट बन गए, कौन कौन से? एक बन गया डीबी साइन थीटा और एक बन गया डीबी कॉस थीटा। क्लियर हुआ? अब जैसे हमने यहां पी क्यू लिया, यहां भी हम पी डैश क्यू डैश ले सकते हैं इसका मिरर इमेज, तो उसके कारण भी यहां पर ऐसे कंपोनेंट्स बन गए। तो एक डीबी साइन थीटा और ये डीबी कॉस थीटा। अब ये डीबी कॉस थीटा क्या हो गए जी? कैंसल। डीबी कॉस थीटा क्या हो गए? कैंसल। तो हमें क्या मिला? डीबी साइन थीटा। तो जो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो मिल रही है अलोंग ओपी एंड दैट इज डीबी साइन थीटा। तो अगर हम लोग इस सर्कुलर लूप को छोटे 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 पी क्यूज में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? हमारे पास ढेर सारा डीबी साइन थीटा आ जाएगा। हमारे पास ढेर सारा डीबी साइन थीटा आ जाएगा। तो ये बी बना समेशन ऑफ डीबी साइन थीटा, यानी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनके आई वो क्या बनके आई? समेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। एनी क्वेश्चन? अब
टीवी का वैल्यू हमारे पास है क्या, बोलो, म्यू नॉट आईडीएल अपॉन 4 पाई, नीचे क्या लगाएंगे हम, आर स्क्वेयर, ये डिस्टेंस आर है ना, 4 पाई, समझ रहे हो ना, 4 पाई आर स्क्वेयर, फॉलो किया कि नहीं, ये किसका वैल्यू लगाया, डीबी का। आप बोलोगे सर वो तो आइडियल साइन थीटा होता है, थीटा कितना लिया हमने, टेंजेंट, टेंजेंट इज ऑलवेज, ये नॉर्मल इज ऑलवेज, नॉर्मल इज ऑलवेज देयर, रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द टेंजेंट, आई एम सॉरी, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द टेंजेंट, तो ये थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। अब ये साथ में क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ये वाला डीबी का वैल्यू म्यू नॉट आइडियल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये साइन थीटा इसका आ गया, तो ये सारे का सारा आ गया समीशन। स्टूडेंट्स मैं सिंपल पढ़ाने में विश्वास करता हूं, टिपिकल नहीं, मैं हवा नहीं बनाना चाहता फिजिक्स को, कई लोग इसी में पता नहीं क्या क्या रिसर्च दिखा के इसको ऐसा कॉम्प्लिकेट कर देंगे यार, अरे हमने बेवकूफ थोड़ी बनाना है, हमने आपको फिजिक्स समझाना है, ठीक। एनी क्वेश्चन, थीटा किसमें एंगल है, बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, करेक्ट, ये वाला पोजिशन वेक्टर, ये वाला यार, दिस इज आर वेक्टर, हा ठीक है, कोई डाउट, देखो डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा सारे कैंसिल कर जाएंगे, बचे कौन, ढेर सारे डीबी साइन थीटा, तो ये बना म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर समेशन ऑफ व्हाट, डीएल साथ में साइन थीटा। अब साइन थीटा तो एंगल सेम ही रहेगा हर नॉर्मल के साथ, टेंजेंट का, रेडियस के साथ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा समेशन ऑफ डीएल। स्टूडेंट्स व्हाट इज डीएल, डीएल ये छोटे 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 डीएल्स का बना हुआ है, तो समेशन डीएल क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर, दैट इज 2 पाई इंटू रेडियस, दैट इज ए, तो V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर साइन थीटा इंटू 2 पाई ए, समेशन डीएल की जगह हमने क्या डाल दिया, 2 पाई ए, इज इट राइट, गो डाउट। अब साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, कितना सिंपल बन गया, इज इट इट, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, perpendicular upon hypotenuse, that is a upon r, तो ये बन गया mu not I 4 pi r square, sin theta is what, a by r, 2 pi, sin theta is a by r, और ये a, तो a square upon नीचे r, is it right? अब आर स्क्वायर का वैल्यू इधर विजिबल है, ठीक है, चेक कर लो, आप नोट कर लो, मैं पॉज करता हूं, हो गया नोट। अब देखो सारे बच्चे, ये बी इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई ए स्क्वायर, नीचे 4 पाई, आर स्क्वेयर इंटू आर इज वॉट, आर क्यूब, आर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई, आर क्यूब इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, बिकॉज आर कौन है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/2 ना, तो उसका क्यूब रूट कर देंगे, आर क्यूब 3/2 आ जाएगा, फॉलो किया कि नहीं, एनी डाउट। अरे यार आर की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कौन है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2, तो क्यूब है ना ये, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आर क्यूब, आर का वैल्यू कितना, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/2, तो ये बन गया 3/2,
हे भगवान इतना सिंपल तो है, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर क्या बना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम 1/2 ले लेते हैं यार मेडिकल वालों, सिंपल तो है नहीं? एनी डाउट? इजी? अगर हम सेंटर ऑफ क्वाइल पे आ जाए, यहां आ जाए सेंटर ऑफ क्वाइल में, तो एक्स क्या हो जाएगा? जीरो। अरे यार पी को शिफ्ट कर दो, एक्स क्या हो गया? जीरो। एक्स सेंटर बी, एक्स सेंटर ओ, म्यू नॉट आई, टू पाई ए स्क्वायर, फोर पाई ए स्क्वायर, एक्स जीरो, ये बन गया ए क्यूब। अब ऊपर है ए स्क्वायर, तो सेंटर पे क्या बन गया? म्यू नॉट आई, टू पाई, फोर पाई ए, ए स्क्वायर ए क्यूब से कट गया। एक बच्चा बोलता सर ये टू पाई से फोर पाई क्यों नहीं काटते? मैं जान के नहीं काट रहा, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन फोर पाई का वैल्यू 10^-7 होता है न्यूमेरिकल्स में, फिर हमें दिक्कत आ जाती है कई बार, ये टू पाई के चक्कर में हम फॉर्मूला गलत लगा देते हैं, राइट? तो इसलिए इट हैज टू बी केप्ट लाइक दिस। अब स्पेशल केस एक, मैं यहां लिख दूं ये रब करके है, आप नोट करो पहले, स्पेशल केस मैं यहां लिखता हूं। अब स्पेशल केस क्या है कि हम ये जो पॉइंट पी है इसको ले जाते हैं बहुत दूर, बहुत दूर ले जाते हैं हम, मींस पॉइंट पी जस्ट लाइंग वेरी वेरी अवे, व्हेन पॉइंट पी इज लाइंग वेरी वेरी अवे, ये मतलब पॉइंट पी, पी इज फार फार अवे, देन ए इज ग्रेटर 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 देन एक्स, दिस इंप्लाइज ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। अरे यार नहीं नहीं सॉरी उल्टा कर दिया, एक्स इज ग्रेटर 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 देन ए, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, क्योंकि एक्स ए से बहुत ग्रेटर है, ठीक है मैं गलत लिख गया था पहले, ए इज ग्रेटर ग्रेटर देन एक्स, एक्स इज ग्रेटर ग्रेटर देन ए, ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बिकॉज ए कैन बी निग्लेक्टेड बाय द स्टडी ऑफ कंपैरिजन। तो ये रिजल्ट मालूम है क्या बनेगा फिर? फिर ये रिजल्ट इस इक्वेशन से हम लेंगे, दिस इज इक्वेशन से टू, तो बी हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई इंटू टू पाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या डाल देंगे, एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई टू पाई ए स्क्वायर अपॉन फोर पाई एक्स क्यूब। लो जी ये आपके सामने सारे रिजल्ट्स बनके आ गए, खत्म, सिंपल इजी लगा स्टूडेंट्स? ये सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन एएच आना ही आना है, आपने केएच करना ही करना है, राइट? एक बच्चा है उसने मेरे को बोला कि सर वो बायोसेबिट लॉ आप चौक से करवा रहे हो तो मुझे कुछ दिक्कत है उसमें, मैंने उसको व्हाट्सएप नंबर दे दिया, यू कैन व्हाट्सएप मी माय चाइल्ड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल इज बेसिकली ए कॉन्सेप्ट नॉट बाय मी, इट्स बाय बेसिकली ए स्टूडेंट इन शिमला हिल्स, मैं एक लेक्चर देने गया था तो वहां एक लड़का चुपके से वीडियो बना रहा था, तो मेरे को गुस्सा आया कि तू मेरी वीडियो बना रहा है क्लास में ऐसे ऐसे, तो जब बाद में देखा कहता सर बेसिकली क्या होता है कि मैं क्लास में सिर्फ समझता हूं लिखता नहीं हूं, और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपका वीडियो बना के घर में देख लिया करूं, मैं चोरी से वो रख के ना ऐसे किसी तरह सिस्टम से जैसे स्टिंग ऑपरेशन करते ऐसे वो रोज बना के ले जाता था। तो मैंने बोला यार तू आज के बाद अमित ये नहीं करेगा, मैं आपको सारे लेक्चर ही रिकॉर्ड करूंगा, तो आप देखना कुछ पुरानी वीडियोस पड़ी हैं वो ऐसी रफली रिकॉर्डेड थे। फिर बच्चे बोलने लगे कि सर देखो हमें आपसे पढ़ना है, मैंने कहा मैं पढ़ा देता हूं, आप कहां के रहने वाले? मैंने कहा मैं तो पटियाला पंजाब का रहने वाला हूं, कहता सर इतनी दूर तो हम नहीं आ सकते, मैंने कहा ना आपने कहीं भी नहीं जाना, आप अपने घर में बैठो और मैं आपको सारे लेक्चर्स देता हूं। तो ये फिर लेक्चर्स रिकॉर्ड करते गए, फिर एक टेक्निकल टीम बनती गई,
इसलिए, बट ये फ्री टू एयर है, हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं इसका, और जो जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग। मैं वैसे ट्रेडिशनल चौक टीचिंग पसंद करता हूं, जब तक मेरे सिर में कपड़ों पे चौक ना गिरे तब तक मेरे को मजा नहीं आता पढ़ाने का। और मैं आपको ट्रेडिशनल टीचिंग दे रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, एंड होप, मैंने तो खैर कभी ये भी नहीं बोला कि आप इसको सब्सक्राइब करो या ऐसे करो, हमारी कुछ इस तरह की इच्छा भी नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चों को वही बच्चे जुड़े जिन्होंने इस लेवल का पढ़ना है। मुझे सब आता है, आई कैन डू सियर्ज मास्की, मार्विन टैपरो, रसनी खालड़े, व्हाट डू यू कॉल दैट, एरोडोप, क्रोटॉप, राइट, आई हैव डन वंडरफुल आई मीन रिजल्ट्स इन द पास्ट, आई एम नेशनल अवार्ड यू नो इन एजुकेशन एंड गिवन एम्स फर्स्ट रैंक एंड सीबीएसई सेकेंड रैंक एंड पंजाब पीएमटी रैंक्स एंड इंजीनियरिंग फर्स्ट रैंक्स। तो यू कैन सी एंड चेक माई प्रोफाइल। बट किसी ने पूछा कि जी अगर आप सारा कुछ यूट्यूब पे डाल दोगे तो आपके पास कोई पढ़ने नहीं आएगा। ना आए पढ़ने, मुझे तो इसकी कोई इच्छा नहीं है। बच्चे यूट्यूब से पढ़ लें, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, राइट। तो यूट्यूब एक बहुत बढ़िया माध्यम है जिसके जरिए हम आपको पढ़ा सकते हैं। और बेस्ट तरीका यूट्यूब का क्या है, घर में एक बड़ा सा स्मार्ट टीवी लो, उसको वाईफाई से कनेक्ट करो, सामने टेबल चेयर रखो, पेन कॉपी रखो। विपिन सर आपकी क्लास में फीलिंग बिल्कुल चौक वाली आ रही है, राइट। सो गॉड ब्लेस यू एंड मैं पढ़ाऊंगा वो जो मुझे पढ़ाना है, जो मुझे पढ़ाना है और जो आपने पढ़ना है। आलतू फालतू के लिए हम अलग से लेक्चर दे दिया करेंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग फिजिक्स।